देख रहे हैं ARBB चैनल। सामने नको जाओ बिछेड़ो सामने चढ़ो भाई चढ़ो भाई सामने चढ़ो सामने जाओ बड़े भाई आज याकूतपुरा स्टेशन के बाजू में छोटा चंद्रा नगर है, वहाँ पे एक हादसा पेश आया आग लगने की तरफ से। इमीडिएट जैसे ही मालूम हुआ ये हादसा 10:30-11 के टाइम पे एक घर में गैस सिलेंडर को आग लगने की तरफ से दूसरे सामाना भी जले, जिसके अंदर 3 लोग, 2 लेडीज़ 1 जेंट्स, एक का नाम बेबू है मोहनलाल, दूसरों का नाम है उषा भाई, तीसरों का नाम है, ये तीनों को आग काफ़ी पकड़ी थी। इमीडिएट यहाँ पे एरिया के कारपेंटर फौरी जैसे मालूम हुआ बाजू हमारे वासुद्दीन साहब आए, आके तीनों जो आग थे अंदर जाकर इमीडिएट उन लोगों को आग से बाहर निकाल के फौरी ऑटो में डाल के उस्मानिया हॉस्पिटल भी जाए। जैसे ही इतला मिली नखीबे मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब ने ख़ास मुझे कहा कि इमीडिएट, मैंने कहा कि भाई सबसे पहले बाजू कारपेंटर थे पहुंच गए और उनको इमीडिएट लेके इलाज के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। और जैसे ही इस तमाम चीज़ों की इत्तला मिली फायर ब्रिगेड भी आ गया, पुलिस का भी पूरा महकमा आया हुआ है, अल्लाह के फल से जानी नुकसान नहीं हुआ। 3 जनों को भाप लगने से जो धुआं आने की तरफ से तबीयत उन लोगों की बिगड़े थे, अभी इंशाअल्लाह ताला उस्मानिया हॉस्पिटल मैं खुद जा रहा हूँ, देखता हूँ और उन लोगों का मुकम्मल इलाज कराते हैं और जो भी गवर्नमेंट से होता है इन लोगों की भरपूर हम मदद करेंगे। हमारा काम ही यही है, हम यही चाहते हैं कि भाई खुदा ना खास्ता किसी को कोई नुकसान होता है या कोई मजलूम को परेशानी आती है तो फौरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आती है और उन लोगों की मदद के लिए ठहरती है। मैं तमाम बहल बस्ती के नौजवानों का
शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वो लोग ने बर वक्त आकर न सिर्फ आग को काबू पाया बल्कि लोगों को बड़े हादसे से बचाया। ख़ास तौर से नौजवानों ने घुस के सबको घर से बाहर निकाले और निकाल